वंदे हम श्री गुरु श्री पदलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूपम सागर जातम साद्वैतम सावधूतम हरिजन सहितम कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांतरा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय शुभांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानंद श्रीवासवि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा यस सभी को स्वागत है आज की कक्षा में। आज का दिन हम भगवद गीता के पांचवा और छठवा अध्याय आज हम चर्चा करेंगे। तो दैट आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से सुना ही होगा चौथा अध्याय जो भी चीज हमने चर्चा की है। पांचवा अध्याय की चौथा अध्याय में भगवान ज्ञानियों के विषय में बताया, बिकॉज थर्ड चैप्टर में बुद्धि को स्ट्रेंथन करने के विषय में चर्चा हुआ। बुद्धि को स्ट्रेंथन किया जा सकता है ज्ञान से, इसलिए फिर भगवान चौथा अध्याय में ज्ञान के विषय में चर्चा की थी। फिर चौथा अध्याय में ज्ञान के संबंध में ज्ञान की हिस्ट्री हो, ज्ञान कब किसको किसने कहा है, एंड ये ज्ञान होता क्या है, कैसे मिलेगा, ज्ञान मिलने पे क्या फायदा, किन को ये ज्ञान मिल सकता है, किन को नहीं मिल सकता है, ये सारे बातें हमने चौथा अध्याय के अंतर्गत हमने चर्चा की। तो अभी पांचवा अध्याय में भगवान पुनः कर्मियों के विषय में चर्चा करने वाले। आपको आश्चर्य लग रही है ये क्या हुआ, अभी तीसरा अध्याय में भगवान ने चर्चा किया, फिर बीच में चौथा छोड़कर फिर वापस पांचवा पे वही पर क्यों आ गए भगवान? उनकी दूसरा अध्याय के बाद तीसरा अध्याय में जो प्रश्न अर्जुन ने पूछा ना, उस प्रश्न की उत्तर देने में भगवान को कर्मियों के विषय में कहना पड़ा। एंड पांचवा अध्याय में अर्जुन पुनः वही प्रश्न पूछने वाले हैं जो प्रश्न अर्जुन ने तीसरा अध्याय में पूछा। तीसरा मतलब बेचारा अर्जुन को समझ नहीं आया। तीसरा अध्याय में जो कुछ भी भगवान ने समझाया निष्काम कर्मियों के विषय में, अर्जुन को वो क्लियर नहीं हुआ, इसलिए पांचवा अध्याय में वही प्रश्न पुनः अर्जुन भगवान से पूछने वाले हैं। तो एग्जैक्टली इसी प्रकार से कई बार हम सुनते हैं, सुनते वक्त ये बहुत महत्वपूर्ण है टू हियर विद एन ओपन माइंड, एक खुला हुआ मन के साथ सुनना बहुत अनिवार्य है। अन्यथा फिर क्या होता है कि अगर हम अपना प्री कंसीव्ड नोशंस को रखते हुए अगर सुने, देन फिर क्या होता है कि उन नोशंस को काटने के लिए बहुत समय लग जाता है। अगर पहले से हम कुछ धारणाएं बना चुके हैं, उन धारणाओं के हिसाब से अगर हमें संदेश मिलेगा तो हम समझ पाते हैं, अगर उन धारणाओं का थोड़ा सा विपरीत रहेगी संदेश, देन फिर हम इतना आसानी से उसे पकड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि अर्जुन का मन था कि युद्ध नहीं करना है, उनके अपना धारणा बन चुका है, मुझे युद्ध नहीं करना है, युद्ध क्यों नहीं करना है, इस कारण से मुझे नहीं करना है, और भगवान तो उसका उल्टा बता रहे।
तो इसलिए फिर अर्जुन अपने ओपिनियन से थोड़ा सा अटैच है, तो इसलिए उनको थोड़ा समय लग रहा है इन बातों को समझने के लिए। इसलिए जो व्यक्ति अपने अपने नोशंस और धारणा उनसे अटैच्ड है, उनको तो थोड़ा समय लगता है चीजों को समझने में, है ना। तभी पांचवा अध्याय में अर्जुन पुनः भगवान से उसी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। भगवान इस प्रकार से वैराग्य प्रधान है या वैराग्य में स्थित होकर कर्म करना प्रधान है, संन्यास लेना प्रधान है या वैराग्य में स्थित होकर कर्म करना प्रधान है। देन फिर उसके लिए पुनः भगवान निष्काम कर्मियों के विषय में चर्चा करते हैं। बट यहाँ पर जब भगवान चर्चा करने लगते हैं, एक डिफरेंट एंगल से भगवान चर्चा करते हैं। अभी यहाँ पर भी भगवान निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग, इन दोनों का एक कंपैरिजन भगवान करने वाले हैं, दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन भगवान करने वाले, कंपैरेटिव स्टडी। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर लक्ष्य की दृष्टिकोण से देखा जाए, देन निष्काम कर्मयोग में और ज्ञान योग में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है, मोक्ष की प्राप्ति है। तो आप निष्काम कर्मयोग की पद भी आप अपनाएंगे तब भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, और ज्ञान योग के पद भी अपनाएंगे तब भी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर लक्ष्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग में किसी भी प्रकार के अंतर नहीं है। एंड अभी दूसरा, जो तीसरा अध्याय में भगवान ने जो चर्चा किया निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग के संबंध में, वो योग्यता के दृष्टिकोण से चर्चा किया। यस, निष्काम कर्मियों के अभ्यास करने के लिए आपको इतना ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं पड़ता है, वेराज ज्ञानियों के अभ्यास करने के लिए आपको ज्यादा आपको योग्यता की जरूरत पड़ता है, जैसा कि आपके इंद्रिया पूर्ण रूप से शुद्ध होना आता है, तभी जाकर आप ज्ञान योग के अभ्यास करेंगे। इसलिए योग्यता के दृष्टिकोण से देखा जाए, देन ज्ञान योग के लिए ज्यादा योग्यता की जरूरत पड़ता है। ये दूसरा पॉइंट है। एंड तीसरा पॉइंट ये है, अगर ईज ऑफ प्रैक्टिस मतलब उस योग पद्धति को अभ्यास करना कितना आसान है, कितना आसान है, अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए, देन निष्काम कर्मयोग, अर्जुन निष्काम कर्मयोग आसान है अभ्यास करना ज्ञान योग की तुलना में, क्योंकि निष्काम कर्मयोग में आपको आप वही कार्य करेंगे जो कार्य आप पहले से अभी मतलब शुरुआत में भी आप मतलब अभी तक कर ही रहे थे, उन्हीं कार्यों को करेंगे, बट एक दूसरा मनस्थिति में दूसरे प्रकार से करेंगे बस। बट ज्ञान योग में आपको कार्यों को ही बदल देना होता है, कार्य को ही बदल देना होता है, लगभग कार्यों को छोड़ना ही होता है, देन फिर वो आपके लिए मुश्किल पड़ सकता है सडनली। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये निष्काम कर्म योग आपके लिए उचित है, बिकॉज ये आसान है इसके अभ्यास करना। तो एक तो निष्काम कर्म योग आसान भी है, एंड दूसरा निष्काम कर्म योग से भी आपको वही फल मिलने वाली है, एंड तीसरा निष्काम कर्म योग के अभ्यास करने के लिए आपको बहुत ज्यादा योग्यता का भी जरूरत नहीं है। तो ये तीन फायदा ये होने के कारण अर्जुन आप निष्काम कर्मियों के अभ्यास करो करके भगवान यहाँ पर भी अर्जुन को वही सूचित कर रहे थे। एंड फिर उसके बाद भगवान चर्चा करते हैं किस प्रकार से निष्काम कर्मयोग एक व्यक्ति को बंधन से मुक्त कर देती है। भगवान कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन अपि न लिप्यते। जो व्यक्ति इस प्रकार से योग में स्थित होकर विशुद्ध भाव से
वो अपना इंद्रियों को मन को नियंत्रण में रखते हुए वो कार्य करता है शुद्ध मन के साथ, जो अपना मन और इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए एक योग में स्थित होकर या भक्ति भावना के साथ कार्य करता है, देन वो व्यक्ति सभी के लिए प्रिय रहेगा, ही विल बी डियर टू एवरीवन, एंड सभी लोग उनके लिए भी प्रिय रहेंगे। एंड ऐसा व्यक्ति कार्य करते हुए भी वो कभी भी उन कार्य के बंधन में नहीं पड़ता, वो भी कार्य करेगा बट कार्य की फलों का बंधन में नहीं पड़ता। कुर्वन अपि न लिप्यते, न लिप्यते मतलब ही डज नॉट एंटैंगल। एंड अभी भगवान फिर आगे चर्चा करते हैं, एक निष्काम कर्म योगी की संबंध में कर्ता कौन होते हैं, या भगवान चर्चा करते हैं कि देखिए ये निष्काम कर्म योगी भी वो भी देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, चलता है एंड सोता भी है एंड सांस भी लेता है, ये सारा कुछ करने के बावजूद भी वो इस बात को जानते हैं ये सारा क्रियाएं भौतिक इंद्रियों के माध्यम से संभव हो पा रहे हैं, जो भौतिक इंद्रिया उनसे अलग है। ये सारा क्रियाएं ये भौतिक इंद्रियों की वजह से तो संपन्न हो पा रहे हैं ना। अगर मान लो कि भौतिक इंद्रिया ही नहीं है, देन ये जितने भी कार्य बताइए क्या ये सारे कार्य आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। देखिए दिस मटेरियल बॉडी इज अवार्डेड टू अस सो एज टू इंटरैक्ट विद दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के लिए इस प्रकार के भौतिक शरीर की आवश्यकता होती है। अगर ये भौतिक शरीर ही नहीं होते देन इस भौतिक सृष्टि के साथ आप किसी भी प्रकार की इंटरैक्शन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से पानी में कूदने के लिए अगर डीप सी डाइवर्स होते हैं, उनको पानी के अंदर कूदना है तो मतलब अंदर जाना है तो देन उनको स्विमिंग सूट पहनना होता है, स्विमिंग सूट पहनकर वो जाते हैं तभी वो जा पाते हैं, नहीं तो अगर स्विमिंग सूट पहने बिना अगर डीप सी डाइविंग करने का प्रयास करेंगे तो बेचारे ना ऑक्सीजन सिलेंडर है ना कुछ व्यवस्था है तो मर जाएगा। तो उनको अपने आप को उस प्रकार से तैयार करके उनको पानी के अंदर डालना होता है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से जिनको भी इस भौतिक सृष्टि के अंतर्गत रहकर इस भौतिक सृष्टि के साथ आदान प्रदान करना होता है, उनको भौतिक शरीर की जरूरत पड़ता ही है। एंड इसलिए ये शरीर के अंतर्गत दी गई ये इंद्रिया ही अल्टीमेटली ये देख पा रहे हैं, सुन पा रही इत्यादि इत्यादि, ये सारा क्रियाएं तो वही कर रही है, वही कर रही है। बट बात ये डिफरेंस है, क्रियाएं तो ये करेंगी बट अनुभूति किनको होता है, हु इज द पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स, इट इज सोल, आत्मा। देखिए ये भौतिक इंद्रिया, वैसा तो ये भौतिक शरीर जो है ये जड़ है, मरा हुआ है, केवल जिस प्रकार से ये शर्ट में पहनकर घूमने के कारण ये शर्ट हिलता डुलता दिखाई पड़ता है, ये शर्ट हिलता डुलता दिखाई पड़ता है बिकॉज मैं पहनकर घूम रहा हूँ। जैसा मैं ये शर्ट को उतार के मैं साइड पे रख दूं देन फिर ये शर्ट हिलेगा डुलेगा नहीं, वो तो वैसे वैसे के वैसे रह जाएगी, बिकॉज इस शर्ट के अंतर्गत अपने आप का कोई क्षमता नहीं है हिलने के लिए। उसी प्रकार से ही ये शरीर भी हिलता डुलता इसलिए दिखाई पड़ रही क्योंकि इसके अंदर आत्मा रहकर आत्मा उसे चला रही है। एंड जैसा आत्मा, जैसा मैं शर्ट उतार कर साइड पर रख देता हूँ, जैसा आत्मा इस शरीर को उतार कर साइड पर रख देती है, तुरंत ये शरीर कोई काम का नहीं रहता है, वो तो मरा हुआ शरीर ही माना जाता है ना। तो उसी प्रकार से ही ये शरीर है, इस शरीर के अंतर्गत वो एक्सपीरियंस करने की कैपेबिलिटी नहीं, अनुभव अनुभूति प्राप्त करने के अनुभव करने की कैपेबिलिटी नहीं है। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए कि आपके पास बाइनोकुलर्स है,
बाइनोकुलर्स, ये टेलीस्कोप है। ये बाइनोकुलर्स और टेलीस्कोप क्या अपने आप वो देख पाएगी? आई मीन डज इट हैव द एबिलिटी टू एक्सपीरियंस व्हाट इट इज सीइंग? क्या वो एक्सपीरियंस कर पाएगी क्या वो जो देख पा रही है? एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगी, वो केवल हमें देखने में मदद करेगी, बस देखने में हमें मदद करेगी। अल्टीमेटली देखकर समझने वाला हम है, देखकर समझने वाला हम है। उसी प्रकार से ये जो आंखें हैं, उसी प्रकार से ये जो कान है, ये सारा ये कैमरा की तरह एपरेटस है, जड़ वस्तुएं हैं, जड़ एपरेटस है कैमरा की तरह। एंड ये हमें देखने में मदद करती है, बट ये अपने आप में देखते ही नहीं है, ये अपने आप में देखते नहीं है। केवल जिस प्रकार से कैमरा हमें मदद करती है देखने में, बट अल्टीमेटली उस इमेज को एनालाइज करने वाला व्यक्ति, इस इमेज को एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करने वाला जो एक्सपीरियंसर जो होते हैं, वो आत्मा होते हैं, आत्मा होती है। बिकॉज ये जो भौतिक शरीर जो पंचभूतों से बना हुआ है, वो तो मरा हुआ शरीर है, इसमें कहाँ से चेतना आएगी? चेतना होगा तो फिर एक्सपीरियंस कर पाएगी, नहीं तो फिर नहीं कर पाती। तो ये बात समझना जरूरी है। तो उस प्रकार से ये सूंघने वाला व्यक्ति, सूंघने वाला कौन सूंघते हैं? ये एपरेटस नाक। एंड उसी प्रकार सुनते कौन है? कान। ये एपरेटस सुनता है, बट सुनने के बाद उस सुना हुआ आवाज को एक्सपीरियंस करने वाला तो आत्मा है। तो उस प्रकार समझना होगा। तो इसलिए एक प्रकार से हम करता नहीं है, एक प्रकार से देखा जाए तो करता है, एक प्रकार से तो नहीं है। अगर एक्सपीरियंसर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो है। अगर असलियत में सूंघने वाला कौन है, अगर कहा जाए तो हम हैं, हम कौन सूंघ? बिकॉज हम भौतिक शरीर में जो एपरेटस दिया गया नाक, वही सूंघ पाती। तो इस प्रकार से फिर ब्रह्मनियादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति अलिप्यते न स पापेन पद्मं पत्रं मिवाम्बसा। फिर भगवान कहते, देखिए अर्जुन, अगर इस प्रकार से जो कोई भी फल आपको कार्य करने से प्राप्त होता है, उन फलों को जब आप मुझे अर्पण कर देते हो, देन उस प्रकार से जब आप कार्य अनासक्ति के साथ जब आप करते हो, देन लिप्यते न स पापे न, देन कभी भी तुम्हें पाप स्पर्श नहीं करेगी, कभी भी पाप तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। अगर जो भी कार्य आप करते हो, उन कार्यों का जो फल जो होता है, अगर वो भगवान को अर्पण कर दिया जाए तो। इस प्रकार से जो रहता है व्यक्ति अपना मेहनत के फलों को जब भगवान को अर्पण करते जाता है, तो वैसा व्यक्ति के विषय में कहा जा रहे हैं पद्म पत्रम मिवाम भसा, वो एक कमल की फूल की तरह रहता है। जिस प्रकार से एक कमल की फूल को फूल जन वो कहाँ रहती है? कीचड़ में रहती है। कमल की फूल कीचड़ में रहती है, पानी में, पानी में कीचड़ में रहने के बावजूद भी कमल का फूल का ये स्वभाव है, वो कभी भी उस पानी से, वो कीचड़ से प्रभावित नहीं होता, भीगता नहीं है। अगर उसके ऊपर से अगर पानी का बूंद डाल भी दिया जाए, वो भी फिसल जाता है, उसमें कभी भीगता नहीं है। कमल का फूल ही इस प्रकार के स्वभाव होंगे। उसी प्रकार से इस प्रकार के लोग जो इस प्रकार के अनासक्ति से काम करते हैं, या अपने फलों को भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं, देन वैसा लोग कमल की फूल की तरह है, कमल की फूल की तरह है, वो कभी भी इस भौतिक दुनिया की कीचड़ से प्रभावित नहीं होते हैं, भौतिक दुनिया की कीचड़ से प्रभावित नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो कमल की फूल की तरह जो लोग है, वो कभी भी न स्ट्रेस में आते हैं, न फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, न टेंशन में आते हैं, ना कभी भी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। इतना सारा गोलियां लोग खा रहे हैं अपने तनाव को खत्म करने, गोलियों को खाने से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं, केवल मेडिकल बिल बढ़ेगा।
उससे किसी का भी तनाव इत्यादि वो केवल एक तात्कालीन मतलब एक टेम्पररी रूप से वो दब जाता है, बट असलियत में अगर तनाव फ्रस्ट्रेशन और ये जो इन्फ्लुएंसेस वगैरह से हमें बचना है देन एक ही मार्ग है, देन जो बातें भगवान इस श्लोका के अंदर कहा है अगर इसको अपना जीवन में अपनाए देन ना कोई स्ट्रेस रहेगा ना कोई टेंशन रहेगा ना कुछ रहेगा, बिकॉज जैसे भगवान कह रहे हैं आप कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से प्रभावित नहीं होंगे, कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से प्रभावित, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि देखिए हम आपकी परिस्थितियां बदल देंगे, पर भगवान ये गीता की संदेश हमें सक्षम बनाएगी जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ रहे हैं उन परिस्थितियों को एक सही मनस्थिति में सामने करने सही मनस्थिति में सामने करने का वो हमें सक्षम बनाएंगे। इसलिए वो जो मतलब हम ये नहीं कहते कि अगर एक बार गीता का कोर्स अटेंड करने के बाद गीता पढ़ने के बाद तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगी ना कोई पुकार आएगी ना कुछ आएगा ना कुछ, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, तो कष्ट दुख तो आता ही रहेगा वो तो आपके कर्मों के हिसाब से आते ही रहेगा, बट हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दोज सिचुएशन, उन सिचुएशन को आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे उसमें परिवर्तन आएगी जब भगवत गीता के संदेश सुने तो आपके रिस्पॉन्स में परिवर्तन आएगी। हाँ मतलब किस प्रकार से वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं उसमें परिवर्तन। एंड फिर आगे भगवान फिर तीन कर्ताओं के विषय में चर्चा करते, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तीन कर्ताओं के विषय में भगवान चर्चा करते हैं, ये पिछले वाला श्लोक का ये सही में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है अगर प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, पिछले वाला श्लोक है ना, बिकॉज इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू लिव इन अ डिटैच्ड वे, इन डिटैच्ड वे बहुत महत्वपूर्ण है, देन आप जिन परिस्थितियों में भी हो जिस जिस प्रकार के भी घर पे हो फिर भी आप बहुत ही सैटिस्फाइड पीसफुल लाइफ आप जी पाए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसलिए ये मत सोचना कि भगवद गीता सुनने से हमारा जीवन में सारा कष्ट मिट जाता है, सारा कष्ट मिट जाता है, कभी बुखार नहीं होगा, कभी सिर दर्द नहीं होगा, कभी ये नहीं होगा, कभी वो नहीं होगा, हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, तो ये नहीं होने वाली है, तो वैसा झूठ मूठ की वादा तो हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा, बट डेफिनेटली ये बात तो कहेंगे ही जो जो भी परिस्थितियां रही है उन परिस्थितियों को फेस करने का हैंडल करने की सामर्थ्य सामर्थ्य तो भगवान गीता के संदेश के द्वारा हम दे रहे हैं, प्रोवाइडेड वी एसिमिलेटेड एंड प्रैक्टिस इट, उसको हम समझ सके और उसे अभ्यास भी कर सके। ठीक है नेक्स्ट, तीन प्रकार की कर्ता, वैसा तो हम अपने आप को ही कर्ता मानते हैं, मैं ही करने वाला हूं, कई बार कोई पहचानता नहीं है फिर भी हम जाकर उनके सामने बोल देते हैं कि देखिए ये सारा बिजनेस को इतना मेहनत करके मैंने डेवलप किया आपको क्या पता, मैंने खूब मेहनत करी, मैंने खूब मेहनत कराई और मेरी ही मेहनत के फल हुई है, इतना प्रयास किया मैंने, और कोई स्टूडेंट आकर के अरे ये जो ऑल इंडिया रैंक आने के लिए मैंने कितना मेहनत करा है, दिन रात कितना पढ़ाई की है, क्योंकि तो ही मान ली किसी को ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया देन उनके उनके इंटरव्यू जब रिपोर्टर लेने जाएगा तो वो तो अपने विषय में बताएगा मैंने इतना मेहनत किया मैंने ऐसा किया वैसा किया ऐसे मिला ऐसे, बट भगवान यहाँ कह रहे हैं कि बेटा थोड़ा सा रुक जाओ,
आपके अलावा दो और लोग हैं जो करता है। देर आर टू मोर डूअर्स इन एडिशन टू यू। आप अकेला सारा क्रेडिट उठाकर नहीं जा सकते। तो फिर वो दो कौन है अभी जज करेंगे। एक तो आत्मा मतलब हम स्वयं, दूसरा प्रकृति, तीसरा परमात्मा मतलब भगवान। तीन, ये तीन करता है कोई भी कार्य के लिए, आत्मा प्रकृति और परमात्मा, ये तीनों करता है। आत्मा को इनिशिएटिंग कॉज कहा जाता है, प्रकृति इंस्ट्रूमेंटल कॉज, एंड परमात्मा सैंक्शनिंग।